इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा में मनोहर पारिकर के नए उत्तराधिकारी के तौर पर लक्ष्मीकांत पारसेकर को चुन लिया गया है। अब से कुछ देर बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि पारसेकर के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने किया और उसका समर्थन खुद फ्रांसिस डिसूजा ने किया। डिसूजा गोवा के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस पूरे मामले में रोचक बात यह है कि फ्रांसिस डिसूजा खुद अपने नाम का काफी आलाप कर रहे थे कि वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है, लेकिन जो हमने हरियाणा में देखा, जो हमने महाराष्ट्र में देखा, कुछ उसी तर्ज पर जिन जिन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम का जो व्यक्ति फ्रंट रनर है उसका विरोध किया, अंततः उसी ने प्रपोज किया। और यहां पर ये देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं अब से कुछ ही देर में लक्ष्मीकांत परेस्कर। इनकी तारीफ ये है कि ये न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री हैं बल्कि ये उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने बीजेपी की गोवा में नींव रखी थी। और इतना ही नहीं, 2012 की अगर बात की जाए तो 2012 में बाकायदा पार्टी अध्यक्ष थे गोवा में, और जब पार्टी जीती तो इसमें एक बड़ा योगदान था, और 2002 में भी। This is the process is over.